मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों की मांग है कि सभी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न विद्युत कंपनियों के कार्यरत कर्मियों की जायज मांगों के निराकरण के लिए 6 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, जिसका मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर एम्प्लाइज एंड इंजीनियरिंग द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया गया था। 5 जनवरी को प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा 15 दिन के अंदर मांगों के पूर्ण निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने और प्रत्येक मांग पर सकारात्मक निराकरण का आश्वासन दिया गया था, जिसके चलते आंदोलनरत 5 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से ऊर्जा सचिव के सम्मान में 15 दिन के लिए आंदोलन को निरंतर मानते हुए कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया था। लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। संगठन के लोगों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का विभागीय पॉलिसी बनाकर संविलियन एवं वेतन वृद्धि व 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराए जाने, विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जन संकल्प 2013 के अनुसार किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं संगठन की क्या है मांगे और उन्होंने क्या कहा। हमारी बेसिक देखिए, हमारे 3 बैनर तले हुए हैं। पहला आउटसोर्सिंग स्टाफ है, जो हमारे आउटसोर्सिंग स्टाफ विगत 10-15 सालों से लगातार काम कर रहा है, वो कलेक्टेड रेट पे काम कर रहा है। चूँकि कलेक्टेड रेट बहुत कम होता है, 300-350 रुपये प्रतिदिन के हो जाता है। आज की महंगाई के ज़माने में दिन रात मेरा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी 24 घंटे काम करता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समस्या हो। हमारा विभाग के लिए हमारे दिन प्रतिदिन लगा हुआ है, लेकिन उनके लिए जो 10 साल से लगा काम कर रहा है, पहले हमारे जो मस्टर रोल हुआ करता था, 10-10 साल जो काम करता था, उसको रेगुलर किया जाता था। तो उनकी यही मांग है कि जो लगातार जो कर्मचारी है, जो टेक्निकली फिट भी है, नियमानुसार जो उसकी सेक्शन योग्यताएँ भी है उसके अनुसार उसको पद दिया जाए, तो उसके लिए ये सरकार की जा रही है कि उनके मानदेय भत्ता भी बढ़ाया जाए। क्योंकि आज के महंगाई के ज़माने में 24 घंटे ये काम करते रहते हैं, इनके लिए जेन्यून बात है, इनके लिए होना भी चाहिए। क्योंकि हमारे साथी, क्योंकि हमारे जो आप देख रहे हैं जो रेगुलर कर्मचारी हैं, वो लगभग रिटायर होने के कगार पर खड़े हुए हैं। कुछ साल बाद 2025 तक लगभग 80% हमारा स्टाफ रिटायर हो जाएगा, और हमारे मूलभूत जो सुविधाएं, जो हमारे काम बिजली पे खंभे का काम चढ़ने वाले कर्मचारी आउटसोर्सिंग स्टाफ करता है, ट्रांसफर बदलना हो, कुछ भी बदले पर बदलना हो, हमारे आउटसोर्सिंग भाई लोग ही करते हैं। जो आउटसोर्स कर्मचारी जिनको आप बोल रहे हैं जी, वो किस बेस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में या गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन से काम कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट का जो सरकारी कलेक्टेड रेट है उस पर काम, एक सेकंड, रेट पे ये काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 कंपनियाँ हैं, राजदीप कंपनी है और दूसरी कंपनी है, उसको ठेका दिया गया, उस ठेके के अंदर ये काम करती है। ये एक्चुअली डायरेक्ट हमारे विभाग से जुड़े नहीं है, वो कंपनी के अधीनस्थ कर्मचारी, कंपनी हमारे से टाइप हुई हुई है, उनसे काम करती है आउटसोर्सिंग स्टाफ हमारे। और जो हमारे संविदा वाले कर्मचारी हैं, खासकर हमारे जो JEE साहब हो गए, AE साहब हो गए, देखिए JEE चाहे रेगुलर हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, काम वो उतना ही कर रहा है, लेकिन उसको जो हमारे सैलरी स्लैब है उसमें वो होता है, उसको जो बिन्स बेनिफिट होने चाहिए वो उसको नहीं मिल पाते हैं। काम तो उतना ही कर रहा है, 24 घंटे काम, जो रेगुलर कर्मचारी AE या JEE काम करता हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, काम उसको वही करना है लगातार करते जा रहा है। तो उनको नियमितीकरण का उनको संशोधन मिलना चाहिए, हमारे जो नियमित भर्ती की जाए, उनके डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम लिया जाए ताकि उनको नियमित भर्ती किया जाए। कितने दिन से ये धरना? 21 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कब तक? अभी तक जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा। आज हमें सरकार से अभी PS महोदय साहब संजय दुबे साहब का आश्वासन आया कि 3 बजे अभी मीटिंग बुलाई गई है, चाहे जितने फोरम्स हो, अभियंता संघ हो या यूनाइटेड फोरम हो चाहे आउटसोर्सिंग स्टाफ हो, 3 बजे PS महोदय ने बुलाया है। तो उस पर जो भी निर्णय होगा फिर आगे रणनीति तय की जाएगी। आश्वासन पे छोड़ा जाएगा या जब तक नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आश्वासन तो हमें कई सालों से दिया जा रहा है। तो इस बार तो ये तय किया गया कि जब तक कोई ठोस हमें लिखित में ना मिल जाए तब तक ना मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? आशीष बैन में हूँ मैं, अधीक्षण कार्पल अभियंता STM/STC हूँ और यूनाइटेड फोरम का संयोजक हूँ, जिला सेक्रेटरी। धन्यवाद। आपकी बेस को लेकर, आप लोग किस बात को लेकर यहाँ पर आपका धरना चल रहा है? मेरा चंद्रमणि भास्कर कुमार नाम है, मैं सहायक अभियंता संविदा के पद पर यहाँ पदस्थ हूँ। आज हम लोग पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार पर शामिल है। हमारी 5 प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोग कार्य बहिष्कार पर पिछले 4 दिनों से है। हमारी पहली मांग थी जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनका कंपनी में संविलियन कराया जाए और उनका बीमा 20 लाख का कराया जाए उनको लेकर। अभी क्या होता है, जो आउटसोर्स कर्मचारी किसी कारणवश दुर्घटना का शोध हो तो उनको कोई सहायता नहीं मिल पाती है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपये कंपनी द्वारा दिया जाता है, लेकिन वो भी मिल नहीं पाती है। तो इस कारण से हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी के लिए
उनका ये है कि कंपनी में संविलियन हो जाए और उनको जो बीमा क्लेम है 20 लाख रुपए कम से कम मिले। अभी दूसरे सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अभी सरकार के द्वारा तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, तो उनके द्वारा बार बार आश्वासन दे के हड़ताल पिछले 5-6 तारीख 6 जनवरी से हमारी हड़ताल थी उसको टाला जा रहा था। और दूसरी ये मांग थी जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमितीकरण किया जाए। भाजपा के जनसंकल्प 2013 में उनके द्वारा स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया, उनके द्वारा लिखित में वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनने पे 2013 में जितने भी संविदा कर्मचारी है विद्युत विभाग में सबको नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन 9 साल 10 साल बीत जाने के बाद भी जनसंकल्प 2013 का वादा पूर्ण नहीं किया गया। उनके द्वारा हमेशा यह दम भरा जाता है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी हमारे जनसंकल्प में लिया जाता है उनको पूर्ण किया जाता, तो लेकिन आज भी 9 साल बीत जाने के बाद भी जनसंकल्प 2013 का वादा पूर्ण नहीं किया गया। तो हम लोग उसी धरने को उनके आश्वासन पे लेके हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पिछले 4 दिनों से बैठे हुए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति? हमारी आगे की रणनीति जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी। पूरे कर्मचारी यहाँ पे काम बैठे हुए हैं? हमारे जितने कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहे, आउटसोर्स और संविदा के जितने कर्मचारी है कोई काम पे नहीं गए हैं सब पिछले 4 दिनों से। बहुत जगह लाइन फॉल्ट भी है, बहुत जगह बिजली के समस्या उत्पन्न, जो काम 1 घंटे में हो रहा है वो आजकल 9-10 घंटे में सप्लाई चालू हो रही है। चलिए।